हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं और बाजार की बात करते हैं तो 18,100-18,200 के आसपास निफ्टी का इंडेक्स है और कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। Q4 FY 23 के नतीजे आ रहे हैं और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो रहा है, बायबैक, बोनस। तो ITC लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। ITC लिमिटेड FMCG की एक बड़ी कंपनी है और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 400 के ऊपर है और पिछले एक साल में ज़बरदस्त तेज़ी भी रही है ITC लिमिटेड का। ITC लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है तेज़ी में है और साथ में कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है। तो इस वीडियो में ITC लिमिटेड के बारे में बात करेंगे डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है चौथी तिमाही के नतीजों के साथ दोस्तों। तो डिविडेंड से भी इनकम होता है और ये डिविडेंड हम लोगों को कैसे मिलेगा, क्योंकि जो अनाउंसमेंट किया है उसके साथ डेट्स भी होती हैं। उस डेट तक हम लोगों को डीमैट में शेयर्स रखने होते हैं। डीमैट अकाउंट जो होता है तो उसमें शेयर्स रखने होते हैं, तो उसके अनुसार फिर पेमेंट होता है उसको। तो इसी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे निवेशक इन्वेस्टर्स डिविडेंड के लिए भी प्ले करते हैं और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा है तो रिकॉर्ड डेट के बारे में पता होना चाहिए और कब तक पेमेंट हो जाएगा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में डिटेल लेते हैं ITC लिमिटेड के बारे में। और ITC लिमिटेड FMCG की एक बड़ी कंपनी है और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 400 के ऊपर, 420 के आसपास है। आज की बात करते हैं तो 22/5/2023 को 421-420 के आसपास कारोबार कर शेयर प्राइस और तेज़ी में है। पिछले एक साल की बात करते हैं तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है ITC ने 53% का और जो हाई बनाया है 433 का बनाया है। तो नतीजे आप लोगों ने देखे होंगे और इम्प्रूवमेंट रहा है सेल्स और प्रॉफिट में। डिविडेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। ITC लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो Q4 FY 23 के नतीजों के साथ जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, जो अपडेट आया था, तो इसमें देखिए जो फाइनल डिविडेंड है 6.75 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है। साथ में स्पेशल डिविडेंड है 2.75 रुपया, 6.75 रुपया फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड है 2.75 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो टोटल हो गया ये 9.50 रुपया। तो अब की बार ITC ने अच्छा डिविडेंड दिया है, 9.50 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। अब सपोज किसी भी निवेशक के पास अगर 10 शेयर हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, मान के चलिए 100 हैं, तो इनको 9.50 रुपया कर लीजिएगा। तो इंटू 9.50 रुपया कर लीजिएगा वो डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, डिविडेंड पाने के लिए एक शर्त होती है कि एक फिक्स्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है। तो जो अपडेट है रिकॉर्ड डेट का वो है ट्यूसडे 30 मई 2023। इस दिन का डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए। अब बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, नए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उसी दिन खरीदारी भी कर लेते हैं, उसी दिन खरीदारी भी करते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट के दिन आप खरीदारी करेंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों, और एक्स डेट भी 30 मई 2023 होगा। तो डिविडेंड को पाने के लिए, इस डिविडेंड को पाने के लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट किया है ट्यूसडे 30 मई 2023, ट्यूसडे 30 मई 2023 रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है। इस दिन तक डीमैट पर हमारे शेयर्स होने चाहिए, भले वो 10 हो, 100 हो, 1000, इंटू 9.50 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं एक्स डेट की, तो एक्स डेट भी 30 मई 2023। अब जो खरीदारी करना चाहते हैं इसकी बात कर लेते हैं, समझिए कि कोई डिविडेंड लेना भी चाहते हैं तो 30 मई से पहले खरीदना पड़ेगा दोस्तों। तो 30 मई रिकॉर्ड डेट होगा, इस दिन अगर आप खरीदेंगे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा और इस दिन डिविडेंड का अमाउंट भी एडजस्ट होगा, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है जहां पर स्टॉक प्राइस होगा। 30 मई 2023 ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो सोमवार तक जो खरीदारी करेंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये खरीदारी और रिकॉर्ड डेट की बात होगी डिविडेंड की। अब बात करते हैं जो पेमेंट होगा दोस्तों, तो AGM होगा आगे आने वाले समय में और इसका जो पेमेंट होगा, देखिए जो अपडेट है 14 अगस्त और 17 अगस्त तक पेमेंट होगा डिविडेंड का दोस्तों। तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है। तो मई 30 मई 2023 रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट है 14 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023।
तो ये डिविडेंड का डिटेल है आईटीसी लिमिटेड का दोस्तों। और कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है तो रिकॉर्ड डेट का ध्यान जरूर रखेगा दोस्तों, और रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदारी करनी पड़ती है। कभी बार छुट्टी हो जाती है तो उसके हिसाब से देखिएगा। किसी भी कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो जब अनाउंसमेंट होता है तो उसमें रिकॉर्ड डेट को ध्यान में रखिएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास स्टॉक है तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखा ही है शेयर, आराम से डिविडेंड का डिविडेंड भी आ ही जाता है। तो आईटीसी लिमिटेड एक तरह से डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है। तो ये डिविडेंड का अपडेट है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड का। चैनल पर बने रहने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।